सा दिन है एनएचएम की हड़ताल का 17वां दिन है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमें 17 दिन से हम अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन सरकार हमारे से बातचीत ना करके हमारे ऊपर दमनकारी नीतियां अपना रही है, हमारे साथियों को टर्मिनेट कर रही है और हमें धमकाया जा रहा है कि आप ड्यूटी ज्वाइन कर लो वरना हम नई भर्ती कर लेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, नई भर्ती के लिए बजट कहाँ से लाएंगे? बजट तो हम मांग रहे हैं, हम और क्या मांग रहे हैं? हमारा 8 महीने का वेतन बकाया दे दो। वेतन तो देने के लिए इनके पास हमारे पास नहीं है, तो क्या सरकार जो नई भर्तियां करेगी उनके पास वेतन होगा? वेतन का ही तो सारा पैसे का ही तो मामला है। जब हमारे पास हमारे हक के लिए पैसा नहीं है तो नई भर्तियों के पास इनके पास कहाँ से पैसा होगा? ये सिर्फ सरकार वो जुमले एक फेंक रही है, जिस तरीके से इन्होंने जुमले फेंक के सत्ता में आए। आज हम अनिल विज जी को मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हो, अगर हम कच्चे हैं तो अनिल विज जी आप भी पक्के नहीं हो। समय आ गया है हमें भी अपनी ताकत दिखाने का। अगर हम अपनी ताकत दिखाएंगे तो आपको आने वाले दिनों में भारी नुकसान होगा। मेरी पुनः सरकार से अपील है, जनता बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खराब हो चुकी हैं पूरे प्रदेश में। आज मुझे अभी मालूम हुआ मीडिया के माध्यम से हमारे कुछ साथियों की तबीयतें खराब हो रही है, और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन आज तक भी हमारे एक साथी का भी मेडिकल करने के लिए नहीं आ रहा। सरकार ने हमें ऐसे छोड़ दिया कि मरो, इस स्थिति में लाके छोड़ रही है। और हम बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को आज भी कहते हैं कि इस मामले में तुरंत प्रभाव से हस्तक्षेप करें, अन्यथा प्रदेश में ऐसी स्थिति फैल जाएगी जिसके हादसा होने के बाद सरकार हाथ पे हाथ रख के सोचेगी कि ये क्या स्थिति आ गई। एनएचएम कर्मचारियों को डराओ मत, एनएचएम कर्मचारी डरने वाले नहीं है। आप उनकी जायज मांगों को बैठ के सुनो, और जो असंवैधानिक कह रहे हैं, एक साल पहले जब अनिल वीसी से मैं खुद मिला था तब तो मोस्ट अर्जेंट लिखकर एमडी महोदय को भेजते थे मांग पत्र, वही मांग पत्र आज एक साल बाद हम उठ रहे हैं तो असंवैधानिक हो गया। तो ये कौन सी न्याय प्रणाली है, हमें भी बताएं। हम मैं खुले तौर पे मंच पे कहता हूँ, नीलमी जी आओ हमारे सामने, हम बताते हैं आपको क्या हमारा असंवैधानिक है तरीका। अगर हमारी मांगे इनको असंवैधानिक लगती है तो खुले मंच पे आके जवाब दे नीलमी जी, ऐसे बैठ के बाईटे मत दे, नई भर्ती कर लेंगी। नई भर्ती करनी है, बजट है नहीं इनके पास, पूरे के पूरे अकाउंट खाली पड़े हैं, 8-8 महीने हमें वेतन नहीं मिल रहा, तो नई भर्तियों को बेरोजगारों को क्यों एक जुमला फेंक के एक प्रचार कर रहे हैं? कितने लोग जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं? 88 जो है एम्बुलेंस कर्मचारियों को हटाया गया था, उसके बाद आपका क्या रणनीति है? हमारी आज तक की हड़ताल हमारी स्टेट कमेटी ने बोली हुई है, उसके बाद स्टेट कमेटी आगे की रणनीति तय कर रही है। जैसे ही स्टेट कमेटी आगे की रणनीति देगी, अब ये आंदोलन जन का आंदोलन बनता जा रहा है। प्रदेश में इतनी ज्यादा है स्वास्थ्य की सुविधाएं खराब, इनको स्वास्थ्य से मतलब ही नहीं है, ये तो हमें भी जान मान पे लगाने को दाव करने को तैयार है। पब्लिक तरह तरह हुई पड़ी है, पर पता नहीं मंत्री जी किस हठधर्मिता अपनाई बैठी है, ऐसा मंत्री किस काम का। मैं तो इनके आज तुरंत प्रभाव से इनका इस्तीफा मांगना चाहता हूँ। आज विधानसभा सत्र चल रहा है, मैं अपील करूंगा हमारे विपक्ष के एमएलओ से, इनका इस्तीफा मांगा जाए, अनिल विज जी कुर्सी छोड़े, हमें कोई और मंत्री दे। ऐसा मंत्री किस काम का जो अपने कर्मचारी की आवाज सुनना ही नहीं चाहता और उसको असंवैधानिक कहता है।